नमस्कार, एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मनी मंत्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक आम इंसान अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने का सपना देखता है और वो कोशिश करता है कि अपने हर सपने को वो साकार कर सके और अपनी जिंदगी में एक बेहतर स्तर पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है। और इसी संघर्ष का नतीजा है कि जब वो किसी मुकाम पर पहुंचता है तो किस तरह से सही निवेश कर सके, किस तरह से सही मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, उस पर उसका पूरा पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। आज मनी मंत्रा में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के जाने माने फाइनेंशियल कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट प्लानर और खास तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर श्री मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। मुकेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से आज के नौजवानों को और खासतौर पर आज की न्यूक्लियर फैमिलीज को फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स देते हैं और कैसे वेल्थ मैनेजमेंट की दिशा में वो एक बड़ी बात अपनी रखते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आज के दर्शकों को, आज के जनता को क्या खास मैसेज होगा, किस तरह से वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग धीरे धीरे शुरू करें? मैं जो भी नए हमारे जो नए नौजवान हैं और जो लोग अभी तक इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है, फर्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट, सेकंड होता है हमारा रियल इस्टेट और थर्ड होता है हमारा गोल्ड में है। ये तीनों के हमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता होना चाहिए। जब भी अर्निंग स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे पेरेंट्स बोलते हैं यार कुछ एक फ्लैट ले ले या कोई प्लॉट ले ले, घर ले ले है। तो हमारी जो असेट एंड लाइबिलिटी है, हमारे गोल्स क्या हैं, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, उनको गोल्स को ध्यान में रखते हुए और हमारी क्या लाइबिलिटियाँ हैं इनको ध्यान में रखते हुए वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें। डे वन से यदि स्टार्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, काफ़ी कम कॉस्ट में आप बड़े गोल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। बट होता ये है कि शुरुआत जब होती तो हम क्या है कि लाइफस्टाइल पे ज़्यादा खर्च करता है। आज जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल अपग्रेड करता है, अपनी कार अपग्रेड करता है, घर को अपग्रेड करता है, तो लाइबिलिटी पार्ट में काफ़ी चला जाता है। आज जो नौजवान हैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं पर मैक्सिमम पैसा उनका ईएमआई में जा रहा है, तो हम लोगों का कोशिश है कि एक बार वो हम लोगों से या किसी से संपर्क करें और हम सेविंग पार्ट भी उसका जो अर्निंग का जो एक सर्टेन परसेंटेज है उसको सेविंग में लगाएं और कैसे अपने फ्यूचर को वो बिल्ड कर सकता है, अपने फ्यूचर के गोल्स को कैसे फुलफिल कर सकता है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र श्री मुकेश शर्मा जी ने। और जिस तरह से एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छे डॉक्टर की भूमिका होती है, इसी तरह से आज बदलते दौर में एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की भूमिका भी एक न्यूक्लियर फैमिली में या फिर जॉइंट फैमिली में देखी जाने लगी है। सर, लगातार लोग आपके पास आते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लेते हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट एक आम नागरिक के लिए क्या हो सकता है और कौन से वो टिप्स होंगे जो कि आपको लगता है कि शेयर करना ज़रूरी है आज के नौजवानों से, आज के युवाओं से? देखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या क्या है, है यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं, केवल हस्बैंड अर्निंग कर रहा है या हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग कर रहे हैं, फ्यूचर के गोल्स क्या क्या हैं। आज की डेट में आप मैक्सिमम लोग इमरजेंसी फंड से शुरुआत नहीं करते, इमरजेंसी में उनके पास कोई पैसा नहीं होता है और उनको क्या होता है कि या तो कहीं लोन लेना होता है या कंपनी पर डिपेंडेंट होना चाहिए। आज सबसे पहले शुरुआत आपको इमरजेंसी फंड से शुरू करना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड या तो क्या है कि म्यूचुअल फंड के डेट कैटेगरी के लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकता है या वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालें, क्योंकि आप कभी देखिएगा इमरजेंसी कभी भी नॉक करके नहीं आती है कि इमरजेंसी आप और हम कहीं पे जाते हैं, गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो हम लोग नॉक करके जाते हैं, फ़ोन लगा के अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, पर इमरजेंसी कभी भी आपको नॉक करके नहीं आती है। तो मेरा तो नौजवानों से और सभी लोगों से यही निवेदन है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट बिफोर इन्वेस्टिंग, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर इमरजेंसी फंड, देन आप फिर आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे जाइए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। सबसे पहले आज के युवाओं को जब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ, दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं तो इमरजेंसी फंड को यहाँ पर तैयार रखें, क्योंकि किसी भी तरह की जो इमरजेंसी है वो कभी नॉक करके नहीं आती। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र श्री मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, क्या लगता है किस तरह से जैसे दौर बदला, वक्त बदला, लोगों की नीड बदली,
पहले लोग बेसिक नीड पर फोकस करते थे, अब सेल्फ एस्टीम का भी जमाना है, तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह से आज के बाजार के हालातों पर भी नज़र बनाए रखना और एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो भूमिका है वो किस तरह से धीरे धीरे उभर रही है, क्योंकि कॉरपोरेट ज़माना है, बड़ी संख्या में इंदौर जैसे बिकमिंग अ मेट्रो सिटी में भी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। देखिए, पिछला जो 10 साल था हमारा अर्निंग का था, हम लोग फेस कर रहे थे हाउ टू अर्न मनी, अर्निंग बड़ा इशू था। अब प्रॉब्लम आने वाला अगले नेक्स्ट 10 ईयर है आपको मैनेजिंग मनी का, आगे अगले 10 साल आपको जो आपके पास पैसा रहेगा उसको कैसे मैनेज करें। आप देखोगे ग्रेजुअली हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ करोड़पति की जो लिस्ट आती है या पेपर में जो पब्लिश होता है या फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है ये इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या है कि मैनेज करने के लिए पैसा कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि आज देखोगे कि हम सब चीज़ें ना ऑटोमेशन पे आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें हम क्या है कि आउटसोर्स कर दिए हैं। तो बेहतर है कि हम जहाँ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पे जाएं, सो दैट हमारे फाइनेंशियल गोल्स को हम फुलफिल कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। मनी मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है जो कि आज के नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा लगता है कि जब आज का नौजवान धीरे धीरे तरक्की की राह पर जाता है तो उसे यदि एक सही फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाए तो वो अपना पैसा सही दिशा में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि वो अपना फ्यूचर भी सेव कर सके और आने वाले समय में जो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं उसका भी निर्वहन कर सके। जी बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जब ऐसा ज़माना है जब लोग जो हैं तरह तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं, खासतौर पर ऑनलाइन फ्रॉड्स की संख्या इन दिनों बढ़ गई है, और जब लोगों को डॉलर्स में पैसा कमाने के ऑफर्स आते हैं तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं भोले भाली जो लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में कर देते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से कैसे बचा जाए और कहां पर जो है सावधानियां बरतना भी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ा जाए। देखिए, हम यदि आप इंडियन का जो टेंडेंसी देखेंगे तो हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में है ना करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम पैसा बनाना चाहते हैं, उसमें हम है ना एथिकल अनएथिकल सभी चीज़ें हम कर लेते हैं। देखिए, कोई भी आप लाइफ के जो गोल्स अचीव करते हो या आपको आगे बढ़ना है इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हैं हम लोग सोचते हैं कि आप देखिए यदि आपको कोई भी कंपनी 10-12% से ज़्यादा का कोई रिटर्न का आपको लालच देती है तो आप वहाँ पर आप अलर्ट हो जाइए, हैं 10-12% पर ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, हैं और आप है ना शॉर्ट टर्म में कोई भी काम या बहुत जल्दी आप पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए आपको टाइम तो देना ही होगा, भले वो किसी भी असेट क्लास में हो, भले वो रियल इस्टेट हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, तो आपको थोड़ा समय तो ज़रूर देना होगा। बहुत सीधी बात यहाँ पर बहुत कम शब्दों में कह दी है जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र श्री मुकेश जी ने, और सीधे तौर पर कहा है कि आपको पेशेंस भी रखना होगा। इन्वेस्टमेंट का एक सबसे पहला थंब रूल है कि आपके पास पेशेंस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप धैर्य रखेंगे तो आपका निवेश किया गया जो पैसा है वो उतना दोगुना या कहा जाता है उतने मल्टीप्लाई होकर के आप तक पहुँचता है। सर, जिस तरह से आज लगातार एक चुनौती है कि एक अच्छा स्टेटस भी मेंटेन करें और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएं, तो इन दोनों का अगर संतुलन बना लिया जाए तो कैसे जो है सक्सेस मंत्रा मिल पाएगा मनी मंत्रा के जरिए? देखिए, जितने एसेट क्लास हैं आप देखेंगे, प्रॉपर्टी है, डेट है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें आपको एक सर्टेन परसेंटेज बना के रखना पड़ेगा। सेकंड, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं ये इनको एवरी ईयर आपको रिव्यू भी करना होगा, क्योंकि आपने कोई भी पैसा है एक सर्टेन परसेंटेज से आपने निवेश तो कर दिया, बट इसमें क्या है कि एवरी थ्री ईयर्स में रीबैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक असेट क्लास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी असेट क्लास में काफ़ी कम होगा। जब आप असेट एलोकेशन करते हैं और इसका रीबैलेंसिंग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें प्रॉफिट बुक हो जाता है। यदि आप सोचें कि मैंने ना जब मार्केट क्रैश हुआ उसके पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता, ये सब चीज़ें क्या है बाद में ही हम एनालिसिस करते हैं। बेस्ट पार्ट है कि साल के वन से ईयर आप अपने फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो है इसको रिव्यू करें और उस पर स्टिक रहें कि मुझे इक्विटी इतना रखना है, गोल्ड इतना रखना है, प्रॉपर्टी इतना रखना है, लाइबिलिटी इतनी रखनी है। यदि आप सर्टेन परसेंटेज पे स्टिक रहेंगे तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात है।
बहुत बड़ी बात यहाँ पर करी है और फैक्टर्स हमें बताने की कोशिश करी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इफ्स और बट्स नहीं चलते। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की राह पर होते हैं तो कई तरह की सावधानियां भी बरतना होती है और पूरी तरह से उसे रिव्यू भी करना जरूरी है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका वार्षिक किस तरह से समीक्षा की जा रही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। किस तरह से आज का जो नौजवान है, यदि वो सेफ इन्वेस्टमेंट की राह पर चलना चाहता है और अपनी फैमिली को एक सही मंजिल, एक सही मुकाम तक ले जाना चाहता है, तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर तक वो कैसे पहुंच सकता है और कैसे आपका गाइडेंस लेकर, आपकी एडवाइस लेकर वो अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट की राह को तय कर सकता है? सर कैसे वो आपसे संपर्क करे, कोई आज का नौजवान कैसे आप तक पहुंचे, वो कौन कौन से जरिए होंगे आप तक पहुंचे ताकि तमाम तरह की उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सकें? हमारे पास पहुंचने का बहुत आसान तरीका, या तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। सेकंड, हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलरली करते हैं, जहाँ पे हम वीकली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, मंथली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और ईयरली करते हैं। यहाँ पे भी आप हमारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में आते हैं तो आपकी लिटरेसी लेवल काफ़ी इम्प्रूव होती है, आपका सोचने का पैटर्न चेंज होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चेंज होता है और आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हो। तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो, और हमारा जो ऑफिस मेट्रो टावर विजयनगर इंदौर में है आप वहाँ से भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी इजी है, आप कर सकते हो, और हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न इतना सिंपलेस्ट वे में हमारे यहाँ पर समझाया जाता है, आप कोई भी इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, बशर्ते कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पूरी तरह बताई जाए। पता लगा कि उसको इन्वेस्ट करना था 6 साल के लिए, वो 6 महीने वाले प्रोडक्ट में, और 6 महीने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना था बट वो 6 साल के लिए, तो ये आपका जो टाइम होराइजन है यदि आप हमें ठीकली बता, मतलब अच्छे से बता पाते हैं तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक बात है, जैसे हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे डॉक्टर की हमें ज़रूरत होती है, वैसे ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी ज़रूरत होती है। और मध्य प्रदेश के जाने माने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइज़र श्री मुकेश शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि कैसे उन तक पहुँचा जा सकता है, और आप भी अपने जीवन में जब भी आप एक सही निवेश की तरफ बढ़ें तो ज़रूर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र और अच्छे कंसल्टेंट तक ज़रूर पहुँच। सर इन द लास्ट, एमपी न्यूज़ की ऑडियंस के लिए क्या खास मैसेज होगा मध्य प्रदेश के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर मुकेश शर्मा? मेरा आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि आप अपने फाइनेंशियल असेट्स को हर साल रिव्यू करें, हैं, और इन हर साल रिव्यू करने का रीज़न ये है कि हर असेट क्लास की वैल्यूएशन चेंज होती है, इन वैल्यूएशंस आपके गोल्स को मैच करना चाहिए सो दैट आपके लाइफ के गोल्स को और आप एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी सकें। जब तक आप फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू नहीं करेंगे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो मेरा तो सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करें हर बार, आपके जो नीड्स हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो जाती है, फैमिली डिक्रीज़ हो जाती है, आपकी अर्निंग्स इंक्रीज़ होती है, आपकी अर्निंग डिक्रीज़ भी होती है, और मैक्सिमम लोगों से यही मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप इमरजेंसी फंड को जरूर क्रिएट करें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आपको क्या है नॉक करके नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बातें हमारे साथ साझा की मध्य प्रदेश के जाने माने फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री मुकेश शर्मा जी ने, और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना होगा, और यदि हम पारिवारिक विकास को पूरी तरह से नेतृत्व देना चाहते हैं तो सही निवेश का जो रास्ता है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना चाहिए, यानी कि आप अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस लेने के बाद ही अपना पैसा किसी भी दिशा में निवेश करें। एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट मनी मंत्रा में आज इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ातरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।